बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाऊंगी स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए मैंने लिए हैं ये आधा किलो आलू और इनको मैंने छील लिया है, तो अब इसको काट लेते हैं। इसको मैं काटूंगी मोटा मोटा, मतलब एक आलू के 3 स्लाइस करूंगी और इसको मैं मोटा मोटा कट कर लूंगी। कट कर लिए और इनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, तो अब इसको मैं वापस इसमें डालूंगी। मैं 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, चाट मसाला ऐड करूंगी। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून चावलों का आटा, थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च। अब मैं डीप फ्राई के लिए ऑयल डालूंगी। ये इसे जब तक ये ब्राउन होते हैं, इसको थोड़े से लो फ्लेम पे पकाएं ताकि आलू अच्छी तरह अंदर से गल जाए, क्योंकि मैंने इसे इन्हें थोड़ा सा थिक मोटा वाला काटा है। आप इन्हें ज़रूर बनाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके 1 सब्सक्राइब से मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। इतनी गर्मी है, उतनी ही गर्मी से आलू भी कड़कड़ करने लग गए हैं। जितनी देर में फ्राइज गल रही हैं, फ्राई हो रही हैं, उतनी देर में मैं इसकी डिप तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून मैं मायनीज लूँगी। इसमें थोड़ी सी ग्रीन सॉस डालूँगी, थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं या विनेगर डाल लें। ये इसकी ये जो डिप है ये बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ा सा इसे और पकाएंगे ताकि इसको कलर आ जाए इसका, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सब्ज मिर्च, थोड़ा सा सब्ज धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने ऐड किया है और उसको मैंने पीस लिया है। फ्राइज रेडी हो गई हैं, ये अच्छी तरह गल चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जरूर बनाए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की सॉस है और ये डिप भी बहुत मज़े की है, केचप भी बहुत मज़े की, दोनों फ्लेवर्स के साथ बहुत मज़े की लग रही है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।